डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद बास के पैराग्राफ नंबर 4 से स्टार्ट करना है। पहले 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर आज हमारा 15 है। तो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ पैराग्राफ है हमारा, ब्लू मॉस ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ अटूमन मस्जिद एंड बाइजेंटाइन चर्च। ब्लू मस्जिद नीली मस्जिद रिफ्लेक्ट करती है, अकासी करती है। किस चीज की अकासी करती है? द आर्किटेक्चरल स्टाइल, फने तामीर के स्टाइल को, अंदाज को। बोथ अटूमन मस्जिद, मस्जिद उस्मानिया और बाइजेंटाइन चर्च। बाइजेंटाइन, इसको उर्दू में जब लिखते हैं तो बाजन तीन और इससे बाजन तीनी, ठीक है। तो नीली मस्जिद मस्जिद उस्मानिया और बाइज़ेंटाइनी चर्च दोनों के फने तमीर के अंदाज की अकासी करती है। हाया सोफिया, अच्छा देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चों ध्यान में रखना, जी है लेकिन टर्किश लैंग्वेज में जी ज़रा साइलेंट होता है। इसको हाजिया भी कुछ बुक्स में आप देखें लिखे हुए, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन आया सोफिया है। ये बेसिकली एक चर्च था, मुसलमानों ने जब यहाँ पर हुकूमत की तो इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया, और जब उस्मानवी दौर ख़त्म हो गया तो यहाँ पर फिर इसे एक म्यूज़ियम में बना दिया गया था। और आजकल आप देख रहे होंगे ख़बरों में कि दोबारा से जो टर्किश प्रेसिडेंट है उनकी कोशिशों से सुप्रीम कोर्ट ने उनका ऑर्डर कर दिया है कि इसको दोबारा एक मस्जिद की जो इसकी पोजिशन है वो बहाल कर दी जाए। तो आया सोफिया मस्जिद, आया सोफिया जो कि मस्जिद है, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर। वंडर कहते हैं अजूबे को, ठीक है। वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, जो कि मुस्लिम फन तमीर के अजूबों में से एक अजूबा है। वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, इसको भी बतौर नमूने के जहन में रखा गया। यानी कि ब्लू मस्जिद या सुल्तान अहमद मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में आया सोफिया जो है इसका अंदाज भी जहन में रखा गया। ब्लू मस्जिद इवन टुडे, तो नीली मस्जिद आज भी इस कंसिडर टू बी अनमैच्ड इन स्प्लेंडर मैजेस्टी एंड साइज। अनमैच इसको समझा जाता है बेमिसाल, यानी कि इस जैसा कोई नहीं है, लासानी। किस चीज में? स्प्लेंडर शानो शौकत, मैजेस्टी जाहो जलाल अजमत, और साइज हजम या जसामत। तो नीली मस्जिद को आज भी इसकी शानो शौकत, इसकी अजमत और इसकी जसामत में इस जैसा कोई और तस्वर नहीं किया जाता, यह इसे बेमिसाल तस्वर किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 5 है, द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट। स्पेशियस का मतलब होता है कुशादा, वसी और रीज। फोर कोर्ट, फोर का मतलब सामने और कोर्ट सेहन कहते हैं, तो सामने वाला सेहन मीन बैरूनी सेहन, इसका तर्जमा हम करेंगे। मस्जिद का एक बैरूनी सेहन है जो कि सराउंडेड बाय, घिरा हुआ है कॉन्टीन्यूस वॉल्टेड आर्केड। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है मुसलसल, और वॉल्टेड कहते हैं जिसके ऊपर गुंबद बने हों, गुंबद वाला मेहराबी जिसे आप कह सकते हैं। और आर्केड एक्चुअली मेहराबी रास्ते को ही कहते हैं, यहाँ पर हम इसका तर्जमा वॉल्टेड आर्केड दोनों का मिला के तर्जमा करेंगे मेहराबी राहदारी। तो मस्जिद का एक बैरूनी सेहन है जो कि मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ द अबलूशन फैसिलिटी ऑन बोथ साइड्स,
और इसके दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट राइट में एवोल्यूशन वजू की फैसिलिटी है, सहूलत मौजूद है। इन दी सेंटर बिल्कुल मरकज में, किसके मरकज में? सेहन के मरकज में देर इज़ अ फाउंटेन, एक फाउंटेन है, फाउंटेन कहते हैं फवारा, एक फवारा है विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट, जो मुकाबलतन छोटा है, इन कंट्रास्ट मुकाबले में, मुकाबलतन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द होल, जो के सेहन के जसामत या वसत के मुकाबले में कदरे छोटा है, रादर स्मॉल है कदरे छोटा है। मैग्नीट्यूड साइज को, हजम को, जसामत को ही कहते हैं, यानी कि ये मीनिंग आप मैग्नीट्यूड के लिए ले सकते हैं। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, हैवी मीन भारी भरकम, आयरन चेन लोहे की चेन, जंजीर हैंग्स लटकती है इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, सेहन के अपर बलाई दाखली रास्ते पर, तो सेहन के अपर पार्ट बलाई हिस्से के दाखली रास्ते पर लोहे की एक भारी भरकम चेन जो है ये लटक रही है, और ये है किस तरफ? द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानब, और ये मगरबी जानब किसके हैं? मस्जिद के मगरबी जानब, सेहन के मगरबी जानब। दिस साइड वाज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, मेंट सेकेंड और थर्ड फॉर्म है किसकी? मीन की, और मीन का मतलब क्या होता है? मतलब होना, लेकिन मेंट का मतलब मखसूस होना यहाँ पर भी होता है। तो दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए ही मखसूस था, यानी कि इस दाखिली रास्ते से सिर्फ सुल्तान गुजरता था। द चेन वॉज, अब आगे मकसद लिखा गया, ऐसे ये चेन क्यों लटकाई हुई थी? द चेन वॉज पुट देयर, और ये चेन, ये जंजीर वहाँ पर इसलिए लगाई थी, सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े, लोअर मीन नीचे करना, झुकाना। एवरी टाइम ही एंटर्स द कोर्ट, ये जंजीर वहाँ पर इसलिए लगाई गई थी ताकि सुल्तान जब भी सेहन में दाखिल हो तो उसे अपना सर झुकाना पड़े। सर क्यों झुकाना पड़े? इट वॉज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, सिंबॉलिक का मतलब होता है अलामती, जेस्चर कहते हैं निशानी या इशारा, ये एक अलामती इशारा था, एक अलामती निशानी थी, किस लिए? टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी कहते हैं आजजी को, ऑफ द रूलर हुक्मरान की आजजी का यकीनी बनाने के लिए, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, ताकि वो जब फेस करे, फेस करना यहाँ पर चेहरा नहीं करेंगे, तर्जमा सामना करना, किसका सामना करे? द डिवाइन, खुदा का, रब का, ठीक है, डिवाइन का यहाँ पर तर्जमा खुदा, रब। तो ये खुदा का सामना करते वक्त या खुदा के हुजूर पेश होते वक्त हुक्मरान की आजजी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इशारा था। ओके बच्चों, आज इतना ही है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम एक ये ब्लॉक का क्वेश्चन और अगले मज़ीद जो पैराग्राफ है वो देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।